क्लासेस में आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी ग्रिल वेजिटेबल सैंडविच। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन हेल्दी करने के लिए हमने कुछ चीजें और टेस्टी करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करे हैं। तो आप प्लीज इसको पहले देख लीजिए इंग्रेडिएंट्स में क्या है। सबसे पहले मैंने 4 स्लाइसेस कॉर्नर कट करके ब्राउन ब्रेड ली हुई है। आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड ले सकते हैं, लेकिन हेल्थ के वाइज में हमने इसमें ब्राउन ब्रेड ली है। अब इसमें सलाद के अंदर हम यूज करेंगे बारीक कटे हुए प्याज 2 टेबलस्पून, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी 2 टेबलस्पून, और इसमें सलाद में साथ में मैं लूँगी 1 से 1.5 टेबलस्पून शिमला मिर्ची। अब इसमें स्पाइसेस में थोड़ा सा इटालियन फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा मिक्स हर्ब 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और सफ़ेद मिर्च इसमें ऐड करना है हमें। थोड़ी सी अगर इमली की चटनी हमारे पास हो तो ठीक है, नहीं तो हम टोमेटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 टीस्पून काम में आएंगे। और 2 टीस्पून ही हमारे पास मिंट की चटनी है, वो हम यूज़ करेंगे। और कोटिंग के लिए हम हल्का सा मेल्टेड बटर है, ये हमने सैलेड क्रीम ली हुई है 2 से 3 टेबलस्पून, और थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ाने के लिए पिज़्ज़ा टॉपिंग 1 से 2 टीस्पून ये काम में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ब्रेड स्लाइसेस लेती हूँ और इसको लास्ट में हम ग्रिल करेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं और ग्रिल करके भी खा सकते हैं। ब्रेड स्लाइसेस ले लिए, लेकिन सबसे पहले मैं इसके अंदर सलाद को मिक्स करती हूँ। इसमें मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून पत्ता गोभी, प्याज, आप चाहें तो ओनली अमेरिकन कॉर्न, स्वीट कॉर्न को भी यूज कर सकते हैं। आपको जिस फ्लेवर का, जिस वेजिटेबल के साथ में बनाना है वह बना सकते हैं। तो इसमें शिमला मिर्च भी ले ली। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं सैलेड क्रीम, सैलेड क्रीम के बाद में हम इसमें डालते हैं सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च जो आपको पसंद है, ये थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने 1/2 टीस्पून तकरीबन लिए। और इसके बाद हम इसमें लेते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/2 टीस्पून मैंने डाला है, थोड़ा सा मिक्स हर्ब अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सलाद को। तो सलाद को मैंने अच्छे से पूरा अच्छे से मिक्स करके कोटिंग आ गई है इसके ऊपर, मिक्स हो चुका है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ें जो हमें अप्लाई करनी है ब्रेड के ऊपर। सबसे पहले मैं 1 स्लाइस के ऊपर हरी चटनी लगा देती हूँ। दूसरी स्लाइस के ऊपर इमली वाली चटनी लगा देते हैं, नहीं तो टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं आप इसकी जगह पे, लेकिन थोड़ा सा इंडियन टच वाला सैंडविच बनेगा ये, बहुत कम कम क्वांटिटी में। और थोड़ा सा फ्यूजन टेस्ट देने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पिज़्ज़ा टॉपिंग जो थोड़ी सी स्पाइसी है, तो बहुत कम क्वांटिटी में लगा रही हूँ। स्पाइसी है तो हम बहुत कम क्वांटिटी में ले रहे हैं। ये मैंने 2 पे तो ग्रीन चटनी, 1 पे पिज़्ज़ा टॉपिंग और 1 पे इमली वाली चटनी लगा दी है। चलो अब इसमें हम जो स्टफिंग हमने बनाई है अच्छे से सैलेड वाली, फर्स्ट पे अप्लाई करती हूँ मैं इसको। अब इसके ऊपर सेकंड स्लाइस में पिज़्ज़ा टॉपिंग वाली जो लगाई है वो ले लेते हैं। और बीच में जैसे मेरे पास है ऑप्शनल तो चीज़ स्लाइस, मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताया तो मैंने चीज़ स्लाइस लगाई है। आप इसकी जगह पे चाहें तो पनीर की स्लाइसेस पतली भी लगा सकते हैं या उबला हुआ आलू भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें 2nd/3rd स्लाइस ऊपर लगाती हूँ और वापस से जो मैंने स्टफिंग तैयार करी है वो अप्लाई कर देती हूँ। तो इस सैंडविच में, इस सैंडविच को आप ऐसे भी बिना ग्रिल किए भी खा सकते हैं, तो हम इसको वेज सैंडविच कह देंगे, और ग्रिल करके करेंगे तो वेज ग्रिल सैंडविच हो जाएगा ये। ये मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। चलिए अब मैंने 3rd स्लाइस के ऊपर भी सलाद अरेंज कर दिया और ये मैंने कवर कर दी। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रश कर देती हूँ मेल्टेड बटर से, और मैं इसको ग्रिल के लिए ग्रिल में अरेंज करती हूँ। वैसे यहाँ तक ये सैंडविच वेज सैंडविच तैयार है, इसको मैं ट्राइंगल शेप में कट कर दूंगी तो ये वेज सैंडविच है, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो लेकिन मैं इसको ग्रिल सैंडविच बोला है तो मैं इसको ग्रिल करना चाहती हूँ, मैं ग्रिल करती हूँ इसको।
चलिए ग्रिलर मैंने गरम करके रखा हुआ है और ये मैं सेंटर में इसमें अरेंज कर देती हूँ और इसको बस हल्का सा इस तरीके से हम छोड़ देंगे। आप इसको प्रेस नहीं करना है नहीं तो आपका लॉक खराब हो जाएगा, जितना इसको स्पेस लेना है ये अपना ग्रिल मार्क्स दे देगा और इसको प्रेस नहीं करना है। तो देखते हैं 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया, इसको मैं ऑफ कर देती हूँ। चलिए मैं इसको प्लेटर में शिफ्ट करती हूँ। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल कट करके रखा है, आपको पूरा स्लाइस भी नज़र आ रही है और पूरा अच्छे से ग्रिल हो चुका है, ग्रिल मार्क्स आ गए थे तो बिल्कुल अच्छे से रेडी है। तो आप इसको बहुत इजी रेसिपी है, हेल्दी है, पूरी वेजिटेबल्स भी हैं इसके अंदर, बच्चों को आप थोड़ा सा मेयोनीज के साथ में ऐड करके खिलाएंगे तो फटाफट खा भी लेंगे। लेकिन सलाद जो आप करें वो वेरी वेरी फाइन चॉप रखेंगे तो आपको वेजिटेबल खाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इजी रेसिपी है, ट्राई करें और फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।